एक और अहम खबर आपको देंगे। दो पाकिस्तानी कंपनियों ने शेल पाकिस्तान शेयर्स खरीदने का फैसला कर लिया। शेल ने अपने 77.42% शेयर्स फरोख्त करने का ऐलान किया था। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से जीटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल साहब बताइएगा। बिल्कुल, शेल पाकिस्तान ने अपने शेयर फरोख्त करने का अनाउंसमेंट की थी, जिसके नतीजे में 77.42% शेयर फरोख्त होने से पाकिस्तान कंपनियों, जिसमें पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जो कि एक रिफाइनरी है, उसके साथ एयरलिंक कम्युनिकेशन, ये टेली कम्युनिकेशन से वाबस्ता ये कंपनी है, इन दोनों कंपनी ने मुश्तरक तौर के ऊपर शेल पाकिस्तान के शेयर खरीदने का फैसला किया है। और इस सिलसिले में MD पाकिस्तान रिफाइनरी जाहिदवीर ने इस बिड को सबमिट कराने से मुतलिक दस्तखत कर दिए हैं। और इतलात ये हैं, ज़राए का ये कहना है कि 25 करोड़ से ज्यादा ये डील मुमकिन है, और इसके नतीजे में जो शेल पाकिस्तान का पाकिस्तान में फ्यूल का, लुब्रिकेंट्स का और वाइट ऑयल पाइप का जो बिजनेस है, वो ये दोनों पाकिस्तानी कंपनियां मुश्तरक तौर पर खरीदेंगी। अगरचे के बिडिंग का अमल अभी ओपन नहीं हुआ, तहम स्टॉक एक्सचेंज को कन्वे कर दिया गया है कि शेल पाकिस्तान के शेयर जो पाकिस्तान में फरोख करना चाहते हैं, उसके शेयर 70.42% हैं, वो पाकिस्तान रिफाइनरी और एयरलाइन कम्युनिकेशन खरीदने में दिलचस्पी रखती है। जी, दो पाकिस्तानी कंपनियों का शेयर पाकिस्तान खरीदने का फैसला कर लिया गया है। सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।